एक टीचर आपके ऑफिस के एकदम बगल के कमरे से गायब है, 50-60 बच्चे बैठे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्लासरूम से अंदर बाहर भाग रहे हैं, आपको पता नहीं है? हम रजिस्टर लेके घूमे हैं तब आपको पता चला है कि यहाँ पे किरण मैडम स्कूल में नहीं आई है? कितना बड़ा स्कूल है आपका, कितने टीचर है आपके पास? ये कोई 4,000 बच्चों का तो स्कूल है नहीं, जहाँ पे आपके पास 150 टीचर है, आपको पता नहीं चला टीचर कहाँ गए? 19 टीचर है आपके स्कूल में, और उस 19 टीचर में से 2 टीचर गायब है और आपको पता ही नहीं है? नमस्कार जी सर, बैठिए। आपको आप दूसरी चेयर ले आइए मैडम। नहीं नहीं, ले आइए दूसरी चेयर, बैठिए सर। रजिस्टर दिखाइए सर। आप स्कूल में लास्ट पिछली बार कब आए थे? आपके पास कितने स्कूल है टोटल? 24 है मैम। यहाँ पे स्कूल में टीचर गायब है बिना अपना कुछ बताए टीचर को? सुनिए एक सेकंड, एक तो है जो लंबे गायब हैं, उसके अलावा भी 2 टीचर गायब हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के, आते हैं साइन करके चला जाते हैं, आपके प्रिंसिपल को कुछ पता नहीं है, इनकी बगल की क्लास में एक भी टीचर नहीं है, 30 बच्चे बाहर घूम रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। मिशन बुनियाद का डेटा निकालिए, इनको पता नहीं है कि लेवल 1 को पढ़ाता कौन है। 2 टीचर लॉन्ग एब्सेंट है, उनकी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिए फाइल भेजी हुई है। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी टीचर छुट्टी पे होते हैं, मैंने बकायदा रिटर्न में मैसेज दिया हुआ है, रिटर्न में ऑर्डर दिया हुआ है डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर से भी, जोन से भी, और एज ए बीट इंस्पेक्टर मैंने भी दिया हुआ है कि मुझे मेल पे टीचर्स की लीव एप्लीकेशन चाहिए, और नहीं आए अगर तो? नहीं है तो उनके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। लीजिए दीजिए इनको चिट्ठी। ठीक है सर, मैं उनके खिलाफ एक्शन प्रपोज करके मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ। ये आपकी जिम्मेदारी है फाइनली। ठीक है मैम, मैं इसको करके आप अपने आप एक तो बिल्कुल रिपोर्ट दीजिए, जिन टीचर्स पे एक्शन लेना है लीजिए, इनको शो कॉज नोटिस देना है तो शो कॉज नोटिस दीजिए। शो कॉज तो बनता ही है, वो तो देंगे, और बाकी अदर और आप जो आपके बाकी सारे स्कूल्स हैं उनमें भी ये चेक करिए एक बारी, और ये आप कंसर्न मेंटर टीचर्स को भी बोलिए कि बुनियाद के नाम पे मजाक नहीं चलेगा। चलेगा मैम, ये तो मैं खुद देखता हूँ। आप हमें कुछ भी डेटा दे रहे हैं, हम पूरी डेटा वो पब्लिक में डाल रहे हैं, हम पेरेंट्स को बता रहे हैं, और आपको पता ही नहीं है बच्चे कौन से हैं। पूरा आप एक बार रिकॉर्ड लीजिए, और चाहे प्रिंसिपल पे हो, चाहे कंसर्न टीचर्स पे हो, और जो टीचर्स बिना इन्फॉर्मेशन के बाहर हैं उन पर तो डेफिनेटली एक्शन होना चाहिए।